हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से, और आज हम सीखेंगे सिट एंड स्टे करना। बट प्लीज़ मेक श्योर आप मेरी रूल्स ऑफ ट्रेनिंग वाली वीडियो देख लें। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो डू सी दैट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, और उसमें कुछ बेसिक रूल्स मैं कवर किए हैं मैंने, जिससे आपको ट्रेनिंग में हेल्प मिलेगी। और अगर आप वो देख चुके हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय बडी, बडी कम। और हमारे पास ट्रेनिंग ट्रीट्स हैं। तो बेस्ट टाइम होता है ट्रेनिंग का जब पपी सो के उठा हो, या जब और जब थोड़ा सा हंग्री हो, जैसे कि मैंने रूल्स वाले वीडियो में बोला है। और ये ट्रेनिंग ट्रीट्स ट्रेनिंग के लिए ही काम आती हैं, बहुत कम कैलोरीज होती हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कर पाएँ कम से कम कैलोरीज में। चिकन राइस का फॉर्मूला है और बडी को बहुत पसंद है। सबसे पहले हम सीखेंगे स्प्लिट कमांड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है और बहुत ईजी भी है। तो अभी आप देख सकते हो बडी खड़ा हुआ है और वो ट्रीट्स के पीछे जा रहा है। तो सिट का आइडिया बहुत सिंपल होता है। आप बेसिकली आप अपने पपी के ऊपर, सिर के ऊपर लेके जाएं ट्रीट को, और जैसे ही उसका हिप या उसका बट जमीन पर टच हो, वैसे एक यस बोले, यस। आप यस की जगह क्लिकर भी यूज़ कर सकते हो, क्लिकर बहुत यूज़ करते हैं लोग ट्रेनिंग्स में। मैं यस यूज़ करता हूँ, इट्स अ सेम थिंग। सो लेट्स सी, बडी कम कम, बडी कम कम, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय कम, ओके कम गुड बॉय। यस गुड बॉय। और आप देख सकते हैं मैंने अभी तक उसको सिट वर्ड का यूज नहीं किया है। वर्ड हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले हम एक्शन उसको सिखाएंगे। सो अब मैं थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। पर कम 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 कम, ओके यस गुड बॉय। तो आप देख सकते हो कि मैंने यस, मतलब उसको लग रहा है कि मैं, उसको लग रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग टू प्लान कर रहा है, तो तब उसको वो ट्रीट मिल रही है। अब हम वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। कम ओके कम कम गुड बॉय कम सिट यस गुड बॉय। तो अब आप ऐसे बार बार करेंगे एवरी डे, एटलीस्ट 15 मिनट करना जरूरी है। ओके गुड बॉय स्टे, एवरी डे ऐसे 15 मिनट करना ज़रूरी है, और तभी वो you know, इसका मतलब सीखेगा। तो बडी तो भी सीखा हुआ है, बट दिस इज हाउ यू ट्रेन अ पपी टू स्टेट। अब हम उसको स्टेट ट्रेनिंग सिखाएंगे। और सबसे पहला फंडा स्टे का ये है कि धीरे से शुरू करना है, छोटे से शुरू करना है। तो आपका पपी एकदम से स्टे करना नहीं सीखेगा, आपको एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड करके उसको सिखाना है। तो लेट्स सी वो कैसे करेंगे। परी यस गुड बॉय। तो आपने देखा मैंने अभी उसको स्टे नहीं बोला है, पर मैं उसको सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ कि थोड़ी देर वेट करेगा तो ही तेरे को ट्रीट मिलेगी। यस गुड बॉय। तो स्टेट रनिंग के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ड्यूरेशन, डिस्टेंस और डिस्ट्रैक्शन। इसे बोलते हैं ट्रिपल डीज। सबसे पहले हम ड्यूरेशन पे काम करेंगे। ड्यूरेशन मतलब हम कितनी देर उसको स्टे करवा सकते हैं। यस गुड बॉय। तो आपने देखा मैंने थोड़ा थोड़ा करके ड्यूरेशन बढ़ाया है मैंने, और जब वो अच्छा करने लगे तब मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। बड़ी स्टे यस गुड बॉय। और यस करके एक उसको मार्क करें, उसको सिखाएं कि यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। आप क्लिकर भी यूज कर सकते हो या फिर आप यस बोल सकते हो। स्टे गुड बॉय। ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया बडी ने, वो सिर्फ डायरेक्टली मेरी आंखों में देख रहा था और मेरे इशारे का यूज़ कर रहा था। और हाँ, इशारा एक जेस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, आपको ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा स्टे बोलना ही है, वो क्या होगा कि जेस्चर भी रिलेट करेगा। अगर वो जेस्चर देखेगा तो उसे अपना पता लग जाएगा कि इसका मतलब है स्टे। देखो देखो कैसे गुड बॉय, क्योंकि बडी अभी सीखा हुआ है, उसे पता है इसका मतलब स्टे होता है। तो दो जेस्चर प्लस आप वर्ड का यूज़ करेंगे बाद में, और आपका पपी ऐसे सीख जाएगा स्टे कैसे करना है। ये था ड्यूरेशन। अब हम काम करेंगे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब कि आप कितना दूर हो के भी पपी को स्टे करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने पपी से बहुत दूर हो वो आपका कम चांसेस है कि आपकी स्टे कमांड मानेगा। सो लेट्स सी अगेन, आपको बहुत धीरे से शुरू करना है, बहुत आपको ग्रेजुअली उसको सिखाना है। तो लेट्स सी, अरे
यस गुड बॉय, आपने देखा मैंने सिर्फ एक कदम पीछे लिया है और मैंने उसको ट्रीट दे दिया। उससे उसको पता लगा कि मेरा ह्यूमन थोड़ी देर दूर गया है तब मुझे ट्रीट मिली है, तो यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। और मैंने अभी स्ट्रे वर्ड का यूज नहीं किया। गुड बॉय, आपका पपी आपकी तरफ आने लगेगा ऐसे में, क्योंकि बडी तो अभी ट्रेंड है, बट आपका पपी ऐसे में आपकी तरफ आने लगेगा, तो ट्राई करें कि उसके आपकी तरफ आने से पहले ही आप उसको ट्रीट दे दें, ताकि उसे पता लगे कि रुकने पर ही मुझे ट्रीट मिलती है। अरे गुड बॉय गुड बॉय, जब ऐसा होने लग जाए तब हम उसको स्टे का वर्ड यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अरे स्टे स्टे गुड बॉय। सो दिस इज हाउ यू ट्रेन फॉर डिस्टेंस। अब हम करेंगे डिस्ट्रैक्शन। स्टे डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके सामने पपी के सामने कुछ भी उसकी फेवरेट चीज़ आ जाए, जैसे कि ट्रीट या फिर कोई टॉय, तो भी वो आप स्टे ही रहे, वो उसको तोड़ के ना जाए। तो लेट्स सी वो कैसे करेंगे। अगेन फंडा सिंपल है, आप छोटे से शुरू करेंगे। तो फंडा बिल्कुल सिंपल है, आप ट्रीट को धीरे धीरे गिराएं ज़मीन पे, या फिर कोई टॉय है टॉय को आप धीरे धीरे ज़मीन पे रखें, ताकि वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप एकदम से उसके पास फेंक देंगे वो पक्का डिस्ट्रैक्ट होगा, तो धीरे धीरे शुरू करें। यस गुड बॉय गुड बॉय। अगर वो बिल्कुल सही एक्शन ले रहा है, जैसे कि आपने देखा वो बिल्कुल भी नहीं हिला दो सेकंड के लिए, तो हम उसको ट्रीट देंगे। अगर वो हिलेगा तो हम ट्रीट नहीं देंगे। यस गुड बॉय गुड बॉय। अरे अरे बारी, यस गुड बॉय। अब हम इसको स्टे वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टे गुड बॉय। तो ऐसे आप अपने टॉय से भी कर सकते हैं, ऐसे फूड से भी कर सकते हैं, ट्रीट से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू ट्रेन फॉर डिस्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट लेवल होगा स्टे ट्रेनिंग का, तीनों को मिक्स करना, मतलब आप डिस्टेंस ड्यूरेशन और डिस्ट्रैक्शन तीनों को मिक्स करेंगे। लेट्स सी परी स्टे। तो ये तो हो रहा है ड्यूरेशन, अब हो रहा है डिस्टेंस, और अब होगा डिस्ट्रैक्शन। एकदम से नहीं होगा इसको, ये लेवल आने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत देर हो चुकी है, बडी अभी भी बिल्कुल होल्ड करके बैठा है, डिस्टेंस है मैं बडी से दूर हूँ, डिस्ट्रैक्शन है उसके सामने ट्रीट पड़ी है फिर भी वो नहीं खा रहा है। तो ये लेवल भी एक दिन आएगा, तो पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। ओके गुड बॉय। तो ये थी हमारी, ओके सिट गुड बॉय गुड बॉय स्टे। तो ये थी हमारी सिट और स्टे की ट्रेनिंग, और बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस अभी और आएंगी इस चैनल पे। तो डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग की वीडियोस और फनी वीडियोस भी आएंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑलराइट गाइस, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रॉम मी एंड बाय फ्रॉम बडी। बडी हाई फाइव हाई फाइव गुड बॉय। ओके गुड बॉय। Buddy, sit pretty. Sit pretty. Good, yes, good boy. Sit pretty. Yes, yes, good boy.